हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद गुरुजी। बुद्धिस्ट काउंसिल जो चार बुद्धिस्ट काउंसिल हैं आफ्टर द डेथ ऑफ हिस्टोरिकल बुद्धा, ये ऑर्गेनाइज कराए गए थे डिफरेंट डायनेस्टी के द्वारा, डिफरेंट रूलर के द्वारा, डिफरेंट लोकेशंस पे और डिफरेंट प्रेसिडेंसी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया गया था। तो ये एंशियंट हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में हो, इस टॉपिक से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में अजातशत्रु के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था। तो अजातशत्रु ये हर्यक डायनेस्टी से आते हैं, मगध के हर्यक डायनेस्टी। ठीक, 400 ईसा पूर्व पे ये टाइमलाइन है। हालांकि टाइमलाइन को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ स्टोरी को कनेक्ट करने के लिए है। दूसरा आपका वैशाली में जो काल अशोक के द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया गया था। तो काल अशोक आपके शिशुनाग डायनेस्टी से आते हैं, मगध के शिशुनाग डायनेस्टी से। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपका पाटलिपुत्र अशोक के द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया गया था, ये मौर्य डायनेस्टी से हैं। और चौथा कनिष्क ये कुषाण डायनेस्टी से। तो ये कश्मीर के कुंडल ग्राम में ये ऑर्गेनाइज कराया गया था। तो पहला हर्यक डायनेस्टी, दूसरा आपका शिशुनाग, तीसरा मौर्य और चौथा आपका कुषाण डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद इस टाइम पे जो प्रेसिडेंट किनके प्रेसिडेंसी में ये ऑर्गेनाइज हुआ था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तब पहला जो राजगीर में ये ऑर्गेनाइज हुआ था तो महाकश्यप के द्वारा। महाकश्यप ये उस टाइम के सीनियर डिसाइपल थे बुद्धा के, इनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज हुआ था। यहाँ पे दो चीज़ें चेंजेस हुई हैं। पिटक मतलब बास्केट होता है, और सुत्त पिटक और विनय पिटक। तो सुत्त पिटक में बुद्धा का जो भी सेइंग है, जो भी स्पीचेस हुए दिए हैं, उसका कंपाइलेशन हुआ था आनंद के द्वारा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, सुत्त पिटक आनंद के द्वारा कंपोज हुआ था या रिसाइट हुआ है। उसके बाद विनय पिटक ये आपका डिसिप्लिन और रूल्स हैं जो बुद्धा के द्वारा ये बताया गया था। तो ये डिसिप्लिन और रूल्स हैं, इसको कंपोज किया गया है उपाली के द्वारा। ठीक है, तो सुत्त पिटक और विनय पिटक का फॉर्मेशन हुआ था। पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था राजगीर में अजातशत्रु के द्वारा, यहाँ से महाकश्यप एसोसिएटेड है। ठीक है, दूसरा आपका सभा कमी, इनके प्रेसिडेंसी में दूसरा ऑर्गेनाइज हुआ था, जो आपका वैशाली में काल अशोक के उस टाइम पीरियड पे शिशुनाग डायनेस्टी से आते हैं। ठीक है, फिर मोगली पुत्र टिस्सा के द्वारा इनके प्रेसिडेंसी में ये ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र में अशोक, इस टाइम पे अशोक के द्वारा ये ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है, चौथा आपका कनिष्क के द्वारा, तो इस टाइम पीरियड तो वासुमित्र थे, इनके डेप्यूटी अशोक घोष, दोनों से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो वासुमित्र के द्वारा ये, मतलब इनके द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ था। इनके जो डेप्यूटी थे ये अशोक घोष थे। यहाँ पर बुद्धा दो भागों में बट गया था, एक आपका महायान और हीनयान। अब इसके डिफरेंस को समझिए। तो हीनयान बुद्धा, हीनयान बिलीव करता है बुद्धा एक मनुष्य थे, हु फाउंड अ वे टू निर्वाण। ठीक है, ओरिजिनल टीचिंग पे ये बिलीव करते हैं हीनयान वाले। अब महायान है, ये वर्शिप, मतलब आइडल वर्शिप पे बिलीव करते थे। तो यहाँ से बुद्धिस्ट दो भागों में, मतलब कि बट जाता है, हीनयान फॉलोअर और महायान फॉलोअर। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंशिएंट हिस्ट्री का, और यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।